फेज फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बड़ा मजेदार। जब सारे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे तब क्या होगा? केस क्या है? स्पेशल केस है, केस फाइव, व्हेन ऑल द फोरफीटेड शेयर्स आर नॉट री इशू। तो ध्यान से देखना बेटा, शेयर्स फोरफीट कितने हुए थे? 1000। क्या कह रहे केस फाइव में? आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 700 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। हर्षदा, कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है बेटा? सर 10 का 8 में। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होना चाहिए उसके आगे। करेक्ट आंसर है फुल्ली पेड अप, मतलब ₹10 वैल्यू। शेयर्स वर री इशूड फॉर 8 पर शेयर, ₹8 री इशू प्राइस। तो ₹10 का शेयर ₹8 में री इशू हो रहा है। कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं? 700, क्वेश्चन ने बताया। यस सर। तो री इशू की एंट्री तो सिंपल है, ध्यान से देखना। केस फाइव, री इशू की एंट्री सिंपल है, नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 700 शेयर्स री इशू हो रहे हैं फॉर ₹8 पर शेयर, तो 700 × 8, 7 8 56, 7 2 4, ₹8 के री इशू का तो ₹2 का डिस्काउंट दिया होगा, 400, तो 700 × 10, 7000। री इशू की एंट्री क्लियर है? सर अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सी चीज है बट डिफरेंट है, ध्यान से देखना मजा आएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हर्षिता? बोलो बेटा, कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट ऑन री इशू। हर्षिता, फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी बोलो, नहीं पता बोलो, नहीं पता। नहीं याद सर। अमाउंट फोरफीटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। याददाश्त वापस आई? यस सर। अमाउंट फोरफीटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हो जब सारे शेयर्स री इशू हो रहे हो। टेक्निकली फॉर्मूला क्या है? टेक्निकली है फॉर्मूला अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स बीइंग री इशू। इफ ऑल द शेयर्स आर बीइंग री इशूड तो अमाउंट फोरफीटेड इज इक्वल टू अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स बीइंग री इशूड। लेकिन इस केस में सारे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे थे, तो ध्यान से देखना, शेयर्स फोरफीटेड बाबा बेचारे डिस्कनेक्ट हो गए, एक सेकेंड, ध्यान से देखना, शेयर्स फॉरफिटेड एक सेकेंड, क्या कर रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ज्यादा पीछे चलेगा। ये तो खैर हमने कर लिया था, ये कैलकुलेशन कर रहे थे ना, ठीक है, ध्यान से देखना, शेयर्स फॉरफीटेड अमाउंट फॉरफीटेड, वन थाउजेंड शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफीट हुआ था? 7000। फॉरफीचर के एंट्री ने हमें बताया था 1000 शेयर्स हैं,
7000 अमाउंट फोरफीटेड है, कोई भी डाउट? नो सर। तो बेटा अगर सारे शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे तो पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि जितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं उन पे कितना पैसा फोरफीट हुआ था। अगर 1000 शेयर्स पे 7000 है तो 700 पे कितना हुआ होगा? बेसिक यूनिटरी मेथड। Yes or no? Yes, अगर 1000 शेयर्स पे 7000 फोरफीट हुआ है तो पर शेयर 7 रुपीज फोरफीट हुआ है, तो 700 पे क्या रहा होगा? कैलकुलेशन करी यूनिटरी मेथड से तो आया 4900। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ध्यान से देखना। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स being reissued, amount forfeited on shares being reissued. कैसे calculate होता है? Shares reissued divided by total shares forfeited into अमाउंट फोरफीटेड। यूनिटरी मेथड से भी हमने ये निकाला कि फॉर्मूला अगर याद भी नहीं करेंगे तो यही है, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए। शेयर्स रीइशूड कितने थे इस केस में? 700। टोटल शेयर्स फोरफीटेड कितने थे? 1000। अमाउंट फोरफीटेड कितना था? 7000। वही है कैलकुलेशन, 4900। तो अगर आप 700 शेयर्स ही रीइशू कर रहे हो तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 700 पे अमाउंट फोरफीट कितना हुआ था, क्योंकि डिस्काउंट उस हिसाब से दे सकते हो। आपने जो 1000 शेयर्स पे पूरा अमाउंट फोरफीट किया है, क्या 700 पे पूरा का पूरा डिस्काउंट दे सकते हो? नहीं। अगर आपने 1000 शेयर्स पे 7000 रुपीज फोरफीट करे हैं तो पर शेयर 7 रुपीज फोरफीट करे हैं, पर शेयर मैक्सिमम 7 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हो। तो 700 शेयर्स पे मैक्सिमम 4900 का आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइशूड कैलकुलेट करा, 4900। डिस्काउंट एक्चुअली दिया कितना? 2 रुपीज पर शेयर, 1400। तो प्रॉफिट में कितना जाएगा? 3500। 4900 प्रॉफिट कितना हुआ? 3500। कोई भी डाउट? समझ आया क्या हुआ? यस यस। आराम से रीड करेंगे और ज्यादा आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट बीइंग रीइशूड। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं उनपे फोरफीट हुआ कितना था, फिर कैपिटल रिजर्व निकाला जाए। तो रीइशू 2 पार्ट्स में होता है, पहले शेयर्स रीइशू होते हैं फिर उनका कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करा जाता है। आराम से ध्यान से